नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। सामाजिक महासंघ के नीरज सिंह राठौर ने बताया कि इसको लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। आज इस शिविर को लेकर एक पोस्टर का विमोचन शहर की सामाजिक संस्थाओं के सदस्यों जिसमें डॉक्टर के त्रिवेदी, शरद शास्त्री, भारती सोनी, भेरू सिंह चौहान तरंग, मनोज अरोरा, हरीश शलाला शाह, डॉक्टर कपिल त्रिवेदी दाहोद एवं जिला बाल कल्याण आयोग के अध्यक्ष श्रीमती निवेदिता सक्सेना आदि समाज सेवी लोगों ने किया। इस शिविर में सिद्धि हॉस्पिटल बड़ौदा के प्रमुख श्री जयस जाजपुर एवं प्रबंधक केतन गांधी के नेतृत्व में विभिन्न प्रकार के रोगों के विशेषज्ञों की एक टीम झाबुआ रही है। दिनांक 4 सितंबर को प्रातः 11 से शाम 5 बजे तक एवं 5 सितंबर को 10 से दोपहर 2 बजे तक इस शिविर का आयोजन किया गया। कमलेश पटेल व अजय रामावत ने बताया कि शिविर में मेडिसिन एवं सुगर रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, चर्म रोग विशेषज्ञ, चल चिकित्सक एवं प्लास्टिक सर्जन जैसे डॉक्टरों की टीम अपनी निःशुल्क सेवाएं प्रदान करेगी। पंकज जैन मोगल ने बताया कि शिविर में शुगर बीपी पी के मरीजों को निशुल्क परामर्श दिया जाएगा। सामान्य दवाईयों का वितरण भी निशुल्क किया जाएगा। ईसीजी की जांच मात्र 100 रुपए में होगी। सभी प्रकार की लेबोरेटरी व रेडियोलॉजी जांच पर 30% की छूट रहेगी। अशोक शर्मा व संजय काठी ने बताया कि इस शिविर में शामिल होने के लिए निम्नलिखित नंबरों से संपर्क कर अपना पंजीयन करवाया जा सकता है। शिविर में आने वाले सभी लोगों से निवेदन है कि वह अपनी अपनी पुरानी फाइल साथ लेकर अवश्य आएं। सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से सिद्धि हॉस्पिटल बड़ौदा के तत्वाधान में 2 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन अम्बा पैलेस पर आयोजित किया जा रहा है। दिनांक 4 सितंबर एवं 5 सितंबर को यह शिविर यहां आयोजित होगा, जिसमें बड़ौदा के सिद्धि हॉस्पिटल के डॉक्टर और उनकी पूरी टीम यहां पर आकर सेवाएं प्रदान करेगी। आज इस विषय को लेकर एक होल्डर का विमोचन यहाँ सामाजिक संस्थाओं के कार्यकर्ताओं ने जिसका आयोजन किया था। यह होल्डर जिसका पोस्टर लगाए जाएंगे झाबुआ के सभी हॉस्पिटलों में और मेडिकल स्टोर्स पर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वास्थ्य का लाभ ले सके। हमारी मंशा है कि स्वस्थ झाबुआ रहे, इसलिए यह शिविर का आयोजन किया जा रहा है। झाबुआ शहर की सभी सामाजिक संस्थाएँ इसमें सहयोग प्रदान कर रही है। आप सभी से निवेदन है कि आप इस शिविर में पधारें एवं अपने रोगों का उपचार कराएं।